हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू टूअर चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी के अंदर एक बड़ी भर्ती आई है 2021 की तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम से तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा स्टेट के अंदर ये वैकेंसीज आई हैं अराउंड टू प्लस पोस्ट यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती में दिखाई गई हैं जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसके लिए पाँचवीं और पास और दसवीं पास कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसकी ये रहने वाली है कि कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग आंगनबाड़ी में एज ए वर्कर या एज ए हेल्पर वहाँ पर आपकी हो जाएगी तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताऊँगा कि और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कब इसके इंटरव्यू होने वाले हैं कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें क्योंकि ये आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहने वाला है और अगर आपको लगता है कि चैनल का कंटेंट किसी भी वे में आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आइए शुरू करते हैं ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के सोनीपत जिले की ये वैकेंसीज हैं इसमें आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के रिक्त पदों को भरने के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है या ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो महिलाएँ इसमें अप्लाई कर सकती हैं वो सोनीपत के किसी भी गाँव शहर या वार्ड से संबंधित महिला ही वहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए दसवीं पास यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए पाँचवीं पास कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं हाँ अगर आठवीं पास भी उत्तीर्ण आपने की हुई है आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों के लिए तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पर मिलने वाली है तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से 44 वर्ष तक की फ़ीमेल कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं अगर महिला कोई विधवा है या निराश्रित महिला है तो उसको एज में यहाँ पे 6 साल की छूट दी गई है जिसमें 50 साल तक की महिला इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी एग्जाम इसमें नहीं होने वाला तो डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पर ये भर्ती होनी है तो इसके इंटरव्यू की जो डेट डिसाइड की गई है वो है कि सोनीपत ग्रामीण वन सोनीपत ग्रामीण टू और खरखोदा ब्लॉक में आने वाले गाँव का गाँव के जो कैंडिडेट हैं उनका साक्षात्कार होगा नौ मार्च दो को ठीक है उसके बाद सोनीपत शहरी गोहाना मुंडलाना और कथूरा ब्लॉक में आने वाले गांवों का साक्षात्कार यहां पे 10 मार्च 2021 को होगा इसके बाद गन्नौर और राई ब्लॉक में आने वाले गांवों का साक्षात्कार होगा 12 मार्च 2021 यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 9 मार्च 10 मार्च और 12 मार्च को ये इंटरव्यू आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे कहाँ पर होंगे इंटरव्यू ये आप देख सकते हैं प्रगति हाल अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय परिसर में जो कि सोनीपत में स्थित है वहाँ पर सुबह साढ़े नौ बजे आपको पहुँचना होगा अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं अब बात रहती है कि अप्लाई करने की अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो गांव है या जो ब्लॉक है तो उसके से संबंधित जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी के ऑफिस में आपको जाना है वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा जैसे कि सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट होगा उसमें अगर पाँचवीं पास है तो पाँचवीं पास का होगा अगर दसवीं पास आपने की हुई है तो दसवीं पास का सर्टिफिकेट होगा उसके बाद गाँव का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए किसी भी सक्षम अधिकारी या तहसील द्वारा अटेस्टेड किया हुआ है शैक्षणिक योग्यता जैसे कि मैंने आपको बताया है अनुभव अगर आपको है किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस अगर आपको है पहले आपने काम किया हुआ है आंगनबाड़ी वर्कर में या सहायिका में या संजीवनी वर्कर में या बालवाड़ी में तो उसका एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं और अगर महिला विधवा है तलाकशुदा है या निराश्रित महिला है तो उसको शपथ पत्थर भी वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ये वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अराउंड 250 से ज़्यादा है तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 256 वैकेंसीज सिक्स वेकेंसीज़ यहाँ पर मैंसन की गई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अब आपको देखना कैसे है कि कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज़ है और किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनीपत ग्रामीण वन ग्रामीण वन के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे गाँवों को ऐड कर दिया गया है तो उन गाँव की जो महिलाएं हैं और उनही गाँव में अगर वैकेंसीज हैं तो वो महिलाएँ वहाँ के लिए अप्लाई कर सकती हैं जैसे कि पहला जो गाँव है ये है गुणा ठीक है इसमें आंगनबाड़ी वर्कर का एक पद है जो कि सामान्य कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे ओपन है उसका है गांव वार्ड का नाम जहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पद रिक्त है यानी कि हेल्पर का जैसे हुल्ला हेडी हुल्ला हेडी ये गांव का नाम है उसके बाद जुआ जुआ टू ये गांव का नाम है दो वैकेंसीज आंगनबाड़ी वर्कर की है यहाँ पर आंगनबाड़ी हेल्पर की दो वैकेंसीज भट्टा गाँव में है ठीक है जहरी गाँव है यहाँ पे एक वैकेंसी है बड़वासिनी गाँव है दो वैकेंसीज़ हैं रोलाद चिलाना गांव है यहाँ पे एक एक वैकेंसी आंगनवाड़ी वर्कर की है ये सभी सामान्य यानी जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज दी हुई हैं इस तरह से पूरी एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि जिस भी गांव में निकली हुई है वैकेंसी उस गांव के आगे आंगनवाड़ी वर्कर की है तो वर्कर की पोस्ट दी हुई है और कितने ऑफ पोस्ट निकली हुई है वो भी यहाँ पर बताया गया है और अगर आंगनवाड़ी हेल्पर की है तो वो भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है उसके बाद ब्लॉक वाइज इंटरव्यू होंगे नौ मार्च दस मार्च और बारह मार्च को तो फॉर्म अप्लाई करने के जो लास्ट डेट है वो है एक मार्च 2021 हज़ार एक मार्च 2021 तक आपको अपना जो फॉर्म है उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो सारे अटैच करके आपका जो वार्ड है उसका या ब्लॉक है उसके महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में आपको जमा करवाना है तो ये बेसिक डिटेल्स थी इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ चाहिए अगर आपको देखना है कि आपके नियर बाई कौन से गांव में वैकेंसीज हैं तो इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही एक ऐसे ही नई वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत